नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्लग इन अ पॉडकास्ट बाई गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। हम जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है शेर को सवा शेर, जिसको लिखा है बलराम अग्रवाल जी ने। भाई पंडित जी, तू चाय बना रही है बिरबल की खिचड़ी, एक घंटा हो गया उबलते उबलते। जल्दी वाली चाय अगले चौराहे पे मिलेगी चौबे जी, इतनी देर वाली भी तो नहीं चाहिए। भाई साहब, मैं केवल चाय पत्ती नहीं उबालता पानी में, तुलसी के पत्ते, कुटी हुई अदरक और हरी इलायची भी तो डालता हूँ। अब ये सब जब तक अच्छी तरह ना उबल जाए, इनका असर कैसे आएगा चाय में। अब बात है ना, बना जल्दी दे। अच्छा एक बात बता, तूने दुकान पर पंडित टी स्टॉल के बजाय पंडित जी चाय वाला क्यों लिखवाया है? वो इसलिए कि आने वाले आसानी से ये समझ लें कि ये आदमी अपनी मातृभाषा हिंदी को प्यार करता है। नहीं, मेरा इशारा पंडित जी लिखवाने की तरफ है, चाय वाले लिखवाने की तरफ नहीं। भैया चौबे जी, बात यह है कि हमारे नेताओं और समाज सुधारकों की भरपूर कोशिश के बावजूद भी देश और समाज से जातिवाद अभी पूरी तरह मिटा नहीं है। सो तो है, इसीलिए अपना नाम लिखवाने की बजाय पंडित जी लिखवा दिया, ताकि ऊंची जाति वाले बिना संकोच के यहां आ सके। और नीची जाति वाले? देखो भैया, धंधा करने बैठे हैं तो वापस तो किसी को जाने देंगे नहीं। ये भी ठीक है। अरे देखना जरा, कौन चला आ रहा है? शरीर पे कपड़े नहीं, चीथड़े हैं। और मैल भी इतनी कि बास आए बगल से। अरे ये तो यहीं बैठने आ रहा है। मैं खुद ही हट जाता हूँ यहाँ से। क्या चाहिए? एक किलो चावल दे दो। अच्छा, दुकान के ऊपर ये बैनर नहीं दिख रहा तुझे? दिख तो रहा है। फिर चावल क्यों मांग रहा है? जिसे बैनर दिखाई दे उसे चावल नहीं मांगने चाहिए। पढ़ा लिखा होता अबे उस पर तो पढ़ भी ले क्या लिखा है आकर बैठने को। नहीं नहीं, तू तो अशोका होटल में जाता चाय पीने, शक्ल देखी आईने में? बकवास बंद कर और काम की बात कर। अबे चाय की दुकान पे चावल कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो पूछ क्यों रहा है? क्या चाहिए? जो मिलता है वही पूछना चाहिए ना। मेरा मतलब था कि मतलब कुमार गोली और चाय दे, कितने की है? 5 रुपए की। एक काम कर, उस सामने जो प्याला रखा है उसे धोला। ग्राहक धोकर लाएगा प्याला? चाय पीनी है तो लाकर धोना पड़ेगा। अगर ना लाऊं तो ये ले चाय उठा अपनी। इन भाई साहब को तो प्याले में चाय दे रखी है, मुझे कुल्हड़ में क्यों? अनजान लोग अगर अपने लिए प्याला धोने में ना नुकुर करते हैं ना, तो हम उनको कुल्हड़ में ही चाय देते हैं। वो क्यों भला? देख भाई, हम ठहरे गौड़ ब्राह्मण भारद्वाज पंडित, पढ़ लिख नहीं सके सो चाय बनाने बेचने का कारोबार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर ऐरे गहरे आदमी के जूठे प्याले धोते फिरे। अगर सभी के लिए कुल्हड़ रख दो तो किसी का भी जूठा नहीं धोना पड़ेगा। तू अपनी सलाह रख अपने पास, चाय पी, पैसे दे और चलता बन। रख लेते हैं जी अपनी सलाह अपने पास। कुल्हड़ तोड़ दिया? अरे पंडित जी देखो तो जरा, साला मुंह में पैसे रख के बैठा है। मुंह में पैसे रखे? ये लो चाय के 5 रुपए। अबे ये क्या तरीका है पैसे रखने का? मेरे पैसे हैं, मैं इन्हें जैसे चाहूं वैसे रखूं। अबे अपने मुंह से निकाल कर अपने थूक में सारा सिक्का मुझ पंडित की ओर बढ़ा रहा है। मैं तो ऐसे ही दूंगा, नहीं लेता तो वापस रख लेता हूँ। रुक, चाय मुफ्त की नहीं है। इधर ला, ला इधर 5 रुपए का सिक्का। गैर जात के आदमी के थूक में सने सिक्के को पानी से धो सकता है, उसके झूठे प्याले को धोने में बेइज्जती होती है। अबे प्याला क्यों तोड़ दिया, पागल है क्या? 5 रुपए का यह सिक्का इस प्याले की कीमत है, ले इसे भी धो ले। नाटक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह नाटक पसंद आया होगा। नाटक में चाय वाले का किरदार निभाया था अनिकेत चौहान ने, अजनबी ग्राहक का किरदार निभाया था ऋषभ उपाध्याय ने, और चौबे जी का किरदार निभाया था प्रकाश शाह ने।